यस क्लास 11 मैंने आपको जो कराया हुआ था लास्ट में उसी के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू रीड करके बता रहा हूँ। अभी हम पढ़ते जा रहे हैं चैप यूनिट या ये लेसन काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ लीजिए। लास्ट में मैं समरी कराऊंगा और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेंट इन टू द कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क डैडी वी आर गोइंग टू डाई। जैसे ही ये अपने बच्चों के पास गया तो उसका बच्चा जॉन बोला, डैडी हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल टूगेदर यू एंड मम्मी सुई एंड आई। अब उसने अपने बच्चे को समझाना शुरू किया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक साथ रहते हैं तो हम मरेंगे नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पेक्ट बट आई लेट द चिल्ड्रंस केविन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई है। और यह कहकर वह बच्चों के केविन को छोड़ दिया और उसने समुद्र से हर संभव फाइट करने की कोशिश करी। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव ही टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो देखिए इस पूरे केस में क्या होता है। देखिए अब वह नीचे आया और उसने पोर्ट के पास आकर जो उसके ऊपर वेव्स आ रही हैं उनको बैलेंस या उनको कंट्रोल करने के लिए नायलॉन की रोप और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन का यूज करने के लिए स्टार्ट किया। देखिए हीव टू का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, टू रेज और लिफ्ट विथ एफोर्ट, कोई चीज को बहुत तेजी से उठाना। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आया आई डिसाइडेड टू हीव टू अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अपकमिंग, यानी वो जो शिप था उसको ऊपर करने की कोशिश उठाने की कोशिश कर रहा था। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टूगेदर टू होल्डिंग हैंड एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब देखिए उनके पास बिल्कुल पानी आता जा रहा था और बहुत तेजी के साथ यह टूटे हुए पतिया की साइड आ रहा था। वो दोनों यह सोचने लगे कि अब हमारा अंतिम समय निश्चित है। ये इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार और इसको ट्राई करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास, ठीक इसको आप कर लीजिए रीड। बट द वेट वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन अ सेक्सडेंट बैक इन द चार्ट रूम। अब क्या हो गया, सेक्सडेंट के मीनिंग देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विथ ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री फॉर टॉकिंग। आपने देखा होगा कभी कभी शिप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो बात करते हैं। अब वो क्या हो गया, पीछे साइड गया शिप के और वहां पर सेक्सटेंट से उसने रीड करना शुरू किया। आई वर्ड ऑन विंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट द करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आईलैंड। आप देखिए उनकी कुछ उम्मीदें जगी। ठीक है,
अब उनको जो जो पीछे गया था उससे उसने कैलकुलेट करना पोजीशन को शुरू किया, तो उसको पता लग गया कि 65 किलोमीटर पर एक वाइड यानी बहुत बड़ा द्वीप है। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, जैसे ही मैं सोच रहा था और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैं आगे बढ़ रहा था, उसकी बाइक ने आकर उसके साथ ज्वाइन कर लिया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन एंड हर बैक एंड आई नैरो टू स्लिट। अब उसके उसने देखा कि उसकी वाइफ का जो लेफ्ट साइड का सिर था वो बहुत फूला हुआ है और उसकी जो आंख थी वो छोटी सी हो गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने वो तो उसको कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी कैचर ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड हियर आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लॉफ आई लव्ड अ लॉट एज वेल। इन साइड वॉज अ मैसेज ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट समहाउ ही हैड टू मेक इट। अब देखिए उन लोगों ने अपने आप को मरना सुनिश्चित एक टाइप से कर लिया था, तो उनने क्या देखा, उनने उसने एक कार्ड दिया, तो कार्ड में उसने ये मैसेज लिख के दिया कि अब तो हम एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे, अब जो नरेटर था यानी जो लिख रहा है उसने वो तो सोचा कि अब हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन हम अपनी यादों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, यह सू ने उनको लिख कर दिया था, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट। ये आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क रेली टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। अब इसने लगभग 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक इसने लेरी को इस पूरे डेक को 185 डिग्री मोड़ने के लिए कहा। इफ वी वेयर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM। इसने सोचा कि अगर हम लकी रहे, भाग्यशाली रहे, तो कैसे ना कैसे करके हम 5 बजे तक आइलैंड के पास पहुंच सकते हैं। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट ब्लो, और मैं भारी हृदय रखकर चिंता के साथ नीचे आया। क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डजन ऑफ एंड देखिए बंक यानी बेड डज ऑफ वेंट टू ऑफ द ऑफ टू स्लीप। देन आई वोक, मैं सोने चला गया। व्हेन आई वोक एट 6 PM एंड गोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। और क्योंकि ये सो गया था इसने सोचा कि आप 6 बज गए हैं और यह आइलैंड आवश्यक रूप से छूट गया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड। अब हम सब छोड़ चुके थे, अब हमारे पास जो वेस्टर्न साइड की विंड यानी हवा आ रही थी, ठीक है, उससे हमारी पूरी की पूरी आशा खत्म हो गई थी। एट द मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, जहां पर मैं सो रहा था बेड पे वहां पर मेरे को एक अचानक टसल्ड हेड डिस्गार्ड हेयर ऑफ नरेटर सन जोनाथन, उसका जो बेटा था उसका सर दिखाई दिया। जोनाथन आस्क सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, ठीक, और सू उसके दाएं साइड थी। व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो उसने पूछा मैं तुम्हें हक क्यों दूं, उसको गले से क्यों लगाई, तो उसने कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और कैप्टन हो।
Not today, John. I am afraid. Why are you must be, say so? In a matter of fact, boys, you found the island. फिर तूने कहा क्यों नहीं? आपने यह आइलैंड को ढूंढ लिया है. What? I shouted. वो shouted है ना? चिल्लाना. मैं चिल्लाया. क्यों? It's out there in front of us. They chorus as big as battleship. और वो सामने से चिल्लाए कि मैं सामने हूँ और कोरस एक साथ चिल्लाए कि वह सामने है. कोरस जाने जैसे गाना गाना वगैरह है ना, कोरस में गाते हैं एक साथ होके, वही मिली. आई रश्ड ऑन अ डेक एंड गेज्ड विद द रिलीज एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ लाइन एंड स्टर्म. आई वाज ओनली अ ब्लैक पीस एंड वोल्केनिक रॉक विद द लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. अब वे क्या हुए? एक अच्छे आइलैंड को देख के वहां पर खुश हो गए जहां वेल्केनो भी था, यानी ज्वालामुखी, और थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन यानी खाने पीने की सामग्री वहां पर उगी हुई थी. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट. तो बच्चों इतना आप आज फिर से रीड करेंगे, पुराने को समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ऐसा हर टेक्स्ट के बाद उनको पढ़ेंगे. इन्हीं के एक्सप्लेनेशन नीचे अच्छे से लिखे हुए हैं, ये भी रीड करेंगे. ठीक है, और इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा बाइंड अप करूँगा, समरी बताऊंगा, और उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. ओके, बाय बेटा.